दोस्तों, ब्राउन टाइगर की फीमेल है एल्सा, उसको चोट लग चुकी हुई है, ये चल नहीं पा रही है। हाँ, मामू इसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज जो है ना, मेरे लिए बड़ी एक बुरी खबर है, और आप जो मेरे देखने वाले हैं, जिनको जानवरों का शौक है या जिनको टाइगर्स का शौक है, उनके लिए भी बड़ी बुरी खबर है। कि वो ये खबर है कि जो मेरी ब्राउन टाइगर की फीमेल है एल्सा, उसको चोट लग चुकी हुई है, और वो चोट किसी और की वजह से नहीं, इसकी वजह से लगी है। तो इसको मैं ऐसे मना करता हूँ, एहतियात किया करें, ये जो है ना शरारतें करने से बाज नहीं आता। मैं इसको बड़ा मना करता हूँ कि ये अभी छोटे हैं, इनका बड़ा ये ख्याल रखना चाहिए, इनको ईजी नहीं लेना चाहिए, मतलब कि ये बड़े नाजुक होते हैं। तो है तो वो शेर, लोगों को तो यही लगता है कि ये बड़े मजबूत होते हैं, लेकिन ये बड़े नाजुक जानवर होते हैं, तो इनकी बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। स्पेशली इस एज में जब होते हैं तो ये बड़े समझ लगे सेंसिटिव होते हैं। तो अजान साहब ने वो इस तरह लगाई चोट कि अजान खेल रहा था उसके साथ, अजान ने गिर गलती से सब कुछ होता है। तो चलो कोई बात नहीं, इजी हो जाओ। अब तो ब्लॉग में फिर अब सबको बताना भी तो है ना आपने क्या किया, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी हुआ तो कोई बात नहीं ना, आपने गलती भी तो की थी है ना। तो वो ये हुआ कि पहले बता देता, मैं कपड़े भी चेंज कर लेता। कोई बात नहीं, अजान जो होते हैं ना स्टार, अजान तो स्टार बन गया हुआ है। इसको मैं ये कहता हूँ, जो स्टार होता है ना, वो किसी भी हालत में जैसी मर्जी सिचुएशन में हो, वो स्टार ही होता है। क्या मैं पैंट शर्ट पहनी नहीं, बस सलवार पहनी। कोई बात नहीं, मैं इसलिए लगा रहा हूँ, आप स्टार हो तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप जैसे भी लोगों ने पसंद ही करना आपको। तो मैं वजह पता लगा था, ये दोनों पीछे वाइट टाइगर, इसको जिसका नाम मैंने शूटर रखा था, साथ एल्सा थी। तो ये अजान खेलने जाता था उनके साथ, तो उसने एल्सा जो है ना, इसके साथ शरारतें कर रहा था, इसको उठा रहा था, कभी रख रहा था, कभी उठा रहा था। इसके दोस्त आए हुए थे अजान के, उनको जरा ये शोखा हुआ था, तो इसने उठाया ऐसे, तो उसने थोड़ा सा एल्सा ने थोड़ा इसको बाइट करने की कोशिश किया, या इसको अपने आप को छुड़वाने की कोशिश किया, तो इसके हाथ से नीचे गिर गई, जिसकी वजह से उसके पाँव पे चोट लगी, हड्डी पे चोट लगी। अब वो सही तरह से उठ नहीं पा रही, मतलब कि उठती है तो काफ़ी ज़्यादा उसको उठने में प्रॉब्लम होती है, अपने वो टांगों पे वजन नहीं डालती। तो मैंने अभी फ़िलहाल तो एक जो करीबी दोस्त डॉक्टर है, जो मेरा दोस्त है, उसको दिखाया है, उसने कहा कि ये इंशाल्लाह थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाएगी, लेकिन अब मैं प्रॉपर एक डॉक्टर के पास लेके जाऊँगा, इसका ट्रीटमेंट करवाऊँगा, क्योंकि मेरे से बर्दाश्त नहीं होता मेरे जानवर को कोई मसला हो तो मैं इसका ट्रीटमेंट करवाऊँगा। अब मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ इसको कहाँ पर चोट लगी है, और कैसे अब ये चलती है, और ये क्या करती है। तो इसको अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ। अजान, अब आपने उठाना नहीं है, नीचे से इसकी वीडियो दिखाएंगे हम, ठीक है? चलो अंदर चलो फिर। अब हम ये टाइगर के केज में आ चुके हुए हैं, ये बच्चे भी आपके सामने मौजूद है, ये अजान फिर उनके साथ खेल रहा है। मैंने अजान को कहा ये ओवर हो जाता है, इसको जरा मैं कहता हूँ लिमिटेड रखा करें शेरों के साथ। तो ये देखें, ये शूटर तो इस टाइम रेस्ट कर रहा है, ये तो वैसे ही अभी उठने के मूड में नहीं है, लेकिन ये बेचारी, इसको चोट लगी हुई है, तो ये इस वजह से उठ नहीं पा रही, मतलब इसकी वो तो रेस्ट कर रहा है, लेकिन इसकी मजबूरी है, क्योंकि ये इसको चोट लगी है, तो इसकी वजह से इसकी मजबूरी है कि ये लेटी रहेगी, उठ नहीं पाएगी। अभी देखे ना, अजान पे अटैक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बेचारी मजबूर है, तो इसलिए फिर उठ नहीं सकती है। तो ये देखे ना, मैं इसको उठाता हूँ, तो ये अपने ये देखें गिर जाती है, क्योंकि ये वेट नहीं डाल रही अपना, इसकी टांगें इसका वेट नहीं बर्दाश्त कर रही। अजान, अब प्यार करो इसको, अब डरने लगे आप। मैं इसको दोबारा उठा के आपको दिखाता हूँ, पहले तो आपने दूर से देख दिया, मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ। ये बल्कि खुद ही उठ गई है, ये देखें, ये अपने ना टांगों पे वेट नहीं डाल रही, इसकी ये टांगे भी कांप रही हैं, और इसे चला नहीं जा रहा, ये बड़ी बेचारी तकलीफ में है। ये सारा जो है ना अजान का कसूर है, अजान बड़ा शर्मिंदा था, लेकिन मैंने अजान को ईजी किया, मैंने कहा अजान चलो कुछ नहीं होता, कोई टेंशन नहीं, ये हो गया आपसे गलती, क्योंकि उसने कौन सा जानबूझ के किया है, तो मैंने कहा चलो खैर है, हो जाता कभी कभी। जान ना छेड़ो, वो अभी गुस्से में है, ये रोकी है पीछे, इसको तो आप बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे, रोकी जो है ना इनको, इसको मैंने अभी लैदर रखा हुआ है। ओए नो एल्सा, नो एल्सा, ये एल्सा जो है ना बड़ी शरारती हो रही है, ये अटैक भी करती है अपनी जो इसकी एज है ना, उस हिसाब से ये एक्सट्रीम अटैक ही करती है। मुझे वो छोटी है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसे अटैक हो रहा है, लेकिन अपनी एज के हिसाब से वो सीरियस अटैक कर रही है। जो है ना, मैंने आपको बताया था, इसको जो मुझे फॉलो करते हैं, रोकी को सब जानते हैं,
तो ये रोकी देखे, ये काफी बड़ा हो गया है एल्सा के आगे, ये कितने बड़े साइज का लग रहा है। तो ये अब इनके पास आना चाह रहा है, लेकिन ये साइज का बहुत फर्क है, तो इसलिए मैं इनको इकट्ठे नहीं कर सकता। ये खुदा ना खास्ता अगर ये रोकी इधर आ जाए तो एल्सा का और शूटर का काम समझो तमाम हो जाएगा। तो इसलिए मैं जो है ना इधर आने नहीं देता रोकी को, इनको सेपरेट रखा हुआ है। शूटर को और एल्सा को इकट्ठे रखता हूँ, क्योंकि एज फैलो है, इनको एक दूसरे से कोई खतरा नहीं। लेकिन रोकी अगर आ जाएगा तो रोकी समझ लेंगे इनके लिए खतरा ही खतरा है। तो अब मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा एल्सा को, और मेरी कोशिश होगी ये जल्द से जल्द ठीक हो, क्योंकि मेरे मुझे एल्सा ये देखा जी, ये मेरा शूज नहीं थी छोड़ी। एल्सा ना करो ना करो एल्सा। तो अब मैं ये आपको बता था कि डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। मेरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द ठीक हो, क्योंकि मुझे रात नींद भी नहीं आ रही, जब मेरा कोई जानवर बीमार हो, क्योंकि मुझे इनसे प्यार ही बड़ा है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात करूँगा। अल्लाह हाफिज़।